मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज सुबह से ही वोटिंग की गिनती शुरू होते ही सबकी धड़कनें तेज हो रही थी कि आखिर कौन जीतेगा। वक्त बढ़ता गया और कलवा मुमरा विधानसभा में एनसीपी पार्टी ने जीत दर्ज करा दी। ये चुनावी जंग टक्कर की मानी जा रही थी, कौन जीतेगा कह पाना बड़ा ही मुश्किल था। ऐसे में आज सबकी निगाहें वोटिंग की गिनती पर लगी रही। एनसीपी के जितेंद्र आभाट ने 109,283 वोट हासिल किए तो वहीं शिवसेना की दीपाली सैयद ने 33,644 वोट हासिल किए। आम आदमी पार्टी के अबू अल्तमस फैजी की बात करें तो इन्हें भी 30,520 वोट मिले हैं, जबकि नोटा का इस्तेमाल 2,591 लोगों ने किया है। एक बात और बता दें आपको, जितेंद्र आभाट ने कहा था जीतने के बाद नूरानी होटल पर चाय पीऊंगा, और जीतने के बाद जितेंद्र आभाट नूरानी होटल पर पहुंचे और चाय भी पिए। जीत की बिगुल बजते ही एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जीत का जश्न मनाया। चुनाव जीतने के बाद जितेंद्र आभाट ने फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह की दरगाह पर पहले जाकर चादर भी चढ़ाई। मुमरा कलवा से एनसीपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी किस तरह से जीत के पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मना रहे हैं और जीतने के बाद जितेंद्र आभाट ने क्या कहा है। जीत हुई आपकी, इस जीत के मौके पर क्या कहिए? बस कुछ नहीं, जीत के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, काम 5 साल का काम दिखने लगता है, जमीन पे पैर रख के काम शुरू करने का। सर आप विरोधियों के लिए क्या कहेंगे, जो आपके विरोधी? कल तक वो विरोधी थे, राजनीति कल खत्म हो गई, आज चुनाव के बाद खत्म हो जाती है। सर आपने नामांकन भरा था उस टाइम भी आपने गाना गाया था, और आज आपकी जीत की जश्न जैसे ही शुरुआत हुई उसी गाने की म्यूजिक से शुरुआत हुई, तो जो दीपाली शिवसेना की थी उनके लिए खास तौर पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बहन गई मायके थी, मजा किया, खाई पी, आजा आराम किया, अब ससुराल चली गई। जितेंद्र आभाट ने कहा है कि जीतने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है और अब हमें काम करना है। कहीं ना कहीं ये कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव लोगों के लिए बहुत अहम और दिलचस्प था कि आखिर कौन जीतेगा, क्योंकि मुकाबला टक्कर का था, मगर आज जितेंद्र आभाट ने अपनी जीत दर्ज करा दी है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।